हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो देख लीजिए, मैंने आस्तीन को कट कर दिया है। अब इसकी मैं लंबाई दिखाती हूँ। मैंने 9.5 इंचेस की लेंथ रखी है और 9 इंचेस जो है इसकी चौड़ाई रखी हुई है। तो आप 9 इंच ही लीजिएगा, मैं 9.9 रखी हूँ, सॉरी 9.5। अब देख लीजिए, मैंने पूरा, आप चलिए मार्किंग करके आपको दिखाते हैं। साइज़ तो दिखा दिया, तो 6.5 इंच में हम ऊपर के साइड से पहले मार्किंग कर देंगे। ये देख लीजिए, 6.5 इंच मैंने ऊपर के साइड मार्जिन रखी हुए हैं और 2.5 हम बीच में रखेंगे और जो थोड़ा सा बचेगा उसको हम फोल्ड करेंगे। अब चलिए यहाँ से 1 इंच पे हम जो है मार्क कर रहे हैं, तो 1 इंच की लंबाई पे हम पूरा मार्क कर देंगे, सॉरी चौड़ाई पे। तो पूरा मैंने देखिए 1 इंच की चौड़ाई पे मार्किंग कर दी कि स्ट्रेट लाइन से बराबर कर देंगे इसको, यहीं से हम कट कर देंगे। तो मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, इस जगह से हम स्टिचिंग करेंगे इतना लेके। अब इसी तरीके से हम ब्लाउज़ के कपड़े पे इसको स्टिच कर लेते हैं पहले। तो अच्छे तरीके से हम पहले दोनों साइड से स्टिच कर देते हैं, तो आप वीडियो में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने स्टिच कर दिया इसको। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से कट लगा लेते हैं कॉर्नर में और इसको उलट कर सीधा कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको बराबर में कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से पूरा सीधा कर दिया। अब नीचे के साइड से जो मैंने हाफ इंच छोड़ा हुआ था उसको अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। पूरा अच्छे से पूरा हाफ इंच पे फोल्ड कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसको हम स्टिच करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो ब्लाउज़ और अस्तर को दोनों को बराबर करते हुए हम एक सिलाई लगा के स्टिच कर लेते हैं। चलिए, ये देख लीजिए, मैं एक सिलाई लगा के इसको पूरा अच्छे तरीके से स्टिच कर देती हूँ। तो मैंने नीचे के साइड से स्टिचिंग कर दी है। अब इसकी अराउंड स्टिचिंग करेंगे, तो पूरे अच्छे से बराबर करते हुए पूरे आस्तीन की हम सिलाई कर लेते हैं। एक साइड से मैंने कर दी इसी तरीके से, चलिए दूसरे साइड भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। ये देख लीजिए, मैंने दोनों साइड से सिलाई कर दी है। बीच में डिज़ाइन बनाएंगे तो इसको एक साइड करेंगे। और ये मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है, इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। इसे मुझे कज बनाना है, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब चलिए इसे हम उलट कर सीधा कर देते हैं। ये देख लीजिए, मैंने डोरी को सीधा कर दिया है। अब अच्छे से हाथों के साथ थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा इसको, और डेढ़ इंच की लंबाई पे मैंने सबको फोल्ड करके कट कर दिया। ये देख लीजिए, अब इसको एक साइड कर लेते हैं और हम पूरे आस्तीन पे इसको स्टिच करेंगे। तो जो मैंने अभी डिज़ाइन के लिए 1 इंच की जो मार्जिन रखी हुई है, दोनों इंच से 1 इंच एक साइड से था, तो दोनों इंच में आने पे देखिए 2 इंच हो गया। मैंने मार्किंग कर दी है, मुझे जितना कज इसमें लगाना है, आपको जितना लगाना आप लगा सकते हैं। मैं 6 कर जो है एक साइड में 6 लगा रही हूँ। तो इस तरीके से देख लीजिए, बराबर में आप मार्किंग कर लीजिएगा जिससे बराबर में सभी कज लगे, कहीं से ज़्यादा या कम गैपिंग ना आए। तो देख लीजिए, मैंने पूरा लगा दिया। अब इसको मैं डबल स्टिचिंग कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा डबल स्टिचिंग कर दिया है। अब इसमें मुझे डोरियाँ डालना है, तो मैं इसको एक साइड करूँगी और एक पतली सी मैं डोरी बना लेती हूँ। तो बिल्कुल पतली सी डोरी आप भी स्टिच कर दीजिएगा। मैंने डोरी स्टिच कर ली है, अब इसको मैं उलट कर सीधा करूँगी। चलिए मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ इसको। ये
देख लीजिए मेरी डोरी है, इसको एक साइड करेंगे। मैं ब्लाउज सॉरी आस्तीन ले लेती हूँ और इसके दोनों साइड से हम डोरी को डालेंगे। तो कैसे मैं डोरियों को इसके साथ में डाल रही हूँ गज में, आप वीडियो में देखते रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दूसरे से क्रॉसिंग करते हुए डोरियों को डालिएगा। इसलिए मैं दोनों डोरी को एक साथ में सॉरी दोनों साइड से एक साथ में ही डोरी डाल रही हूँ, जिससे हमारा जो है क्रॉसिंग का सिस्टम एक बराबर में रहे पूरे डोरी पूरे कज में। जो हमारा बीच में देखिए आ रहा है क्रॉसिंग का सिस्टम, बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। ये देख लीजिए मैंने पूरी डोरी डाल दी है कज में। अब नीचे के साइड से हम आपको दिखाते हैं क्या बनाना है। तो नीचे के साइड से हम फ्लावर बनाएंगे। तो मैंने दो गोल्डन कलर के स्क्वायर साइज के कपड़े लिए हैं। अब इसको मैं डबल फोल्ड करते हुए, मैं कैसे इसको डबल फोल्ड किया आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इस तरीके से आप भी डबल फोल्ड कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से हम इसको अच्छे तरीके से स्टिच करके फ्लावर बना देते हैं। मैंने फ्लावर बना दिया एक्स्ट्रा, जो उसे निकाल दीजिएगा कट करके। अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ। अब जैसे मैंने इस साइड बनाया है देख लीजिए, इसी तरीके से दूसरे साइड भी बना लेंगे। तो मेरा दोनों साइड का बिल्कुल कंप्लीट है। अब चलिए मैं आपको इसको बांध के दिखाती हूँ। तो अच्छे तरीके से इसको बांध लीजिएगा। तो ये देख लीजिए ये मेरा डोरी वाला जो है आस्तीन बिल्कुल कंप्लीट है। और ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही हार्ड वर्क करके आपके लिए डिज़ाइन बनाती हूँ वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपने इस चैनल पहली बार विजिट किया तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइनर ड्रेस या ब्लाउज अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक आईडी को फॉलो कर लीजिए। और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, आप जाके वहाँ से मेरी आईडी पे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।